हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हमारा क्लास ट्वेल्थ फ्लेमिंगो बुक का सेकंड पोएम, जिसका नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। एलिमेंट्री स्कूल का मतलब होता है प्राइमरी स्कूल, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे स्टडी करने के लिए जाते हैं। अराउंड 13 ईयर्स तक बच्चे लोग चले जाते हैं वहाँ पर स्टडी करने के लिए। और स्लम एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आप कह सकते हो कि वो गरीब बस्ती होता है, जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं। बड़े बड़े सिटी होते हैं ना, वहाँ पे ऐसे छोटे छोटे विलेजेस होते हैं, जहाँ पे ऐसे झोपड़ी की तरह घर होते हैं। तो हमारे जो पोइट है ना, वो इस पोएम के थ्रू हमें कुछ मैसेज देने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि हम आम लोग, ठीक है, उस स्लम एरिया के जो बच्चे हैं, उनके उनके लिए सोचे, उनके लिए कुछ करे। क्योंकि स्लम एरिया के जो बच्चे होते हैं ना, उन्हें प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलते, वो लोग कैसे कैसे सिचुएशन से गुजरते हैं हम आम लोग कभी भी नहीं समझ सकते। तो पोइट हमारे चाहते हैं कि बिफोर स्टार्टिंग दिस पोएम, हमें अपने अंदर ना कुछ क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे कुछ इमोशन क्रिएट करना पड़ेगा, कुछ फीलिंग्स क्रिएट करना पड़ेगा इन स्लम एरिया के बच्चों के लिए, ठीक है। जब तक हम लोग इस पोएम को इमोशन के साथ नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम लोग इस चीज़ से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। हम लोग बिल्कुल भी मतलब नहीं समझ सकेंगे कि हमारे पॉइंट क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो जो हमारे स्लम एरिया के बच्चे हैं, वो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, उन्हें खाने पीने को नहीं मिलता, प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलता, बहुत एक टाइम खाते हैं, दो टाइम नहीं खाते हैं वो लोग। मतलब इतनी ज़्यादा उनकी लाइफ आप कह सकते हो कि एकदम हेल की तरह होती है, ठीक है, आम आदमी कभी नहीं समझ सकते। तो हमारी जो पोइट है, वो उन्होंने ये पोयम लिखा ताकि वो मैसेज दे सके, ठीक है, आम लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोइट के बारे में। इनको लिखा था स्टेपन स्पेंडर ने। इनका ना इनका बॉर्न हुआ था 1909 1995 में। वो एक इंग्लिश पोइट थे और एसेस्ट भी थे, ठीक। उन्होंने अपना यूनिवर्सिटी कॉलेज छोड़ दिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे वो, बट उन्होंने छोड़ दिया, वो भी क्या, बिना डिग्री लिए छोड़ दिया। ऐसा कोई करता है कि हम लोग जब स्टडी करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हमें तो डिग्री चाहिए होता है ना, बट उन्होंने बिना डिग्री लिए ही ऑक्सफोर्ड जैसे यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया, ठीक है। और उसके बाद चले गए वो कहाँ पे, बर्लिन चले गए 1930 में। उन्होंने अपने आप को क्या क्या डिक्लेयर कर दिया, किस चीज़ में, पॉलिटिक्स में और हाँ सोशलिस्ट में एंड पैसिफिस्ट में, ठीक है। और कुछ यहाँ पे बुक्स इंक्लूड किया गया है पोएम्स ऑफ डेडिकेशन में, जैसे कि एज ऑफ बींग है, क्रिएटिव एलिमेंट है, द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न एंड ऑटोबायोग्राफी वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड है। हमारा जो एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम, आपको एग्ज़ाम में भी आए ना तो पूरा ऐसे ही नाम को मेंशन करना है, हाफ आप नहीं लिख सकते, अदरवाइज आपका मार्क्स कट हो जाएगा। यहाँ पे दो थीम है, तो सबसे पहला थीम है इनजस्टिस, ठीक है, सबसे पहला थीम है इनजस्टिस और दूसरा है इनइक्वालिटीज। तो देखते हैं कि बिफोर यू डे हैव यू एवर विजिटेड और सीन एन एलिमेंट्री स्कूल इन असलम, व्हाट डज इट लुक लाइक। पोइट कहते हैं यहाँ पे, क्या आप लोगों ने कभी भी एलिमेंट्री स्कूल जो स्लम में है वहाँ पे आप लोगों ने कभी भी विजिट किया है, और क्या लगता है कि वो कैसा है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला लाइन करते हैं पोयम का। फार फार फ्रॉम गस्टी वेब्स दीज चिल्ड्रन फेस, कहते हैं अच्छी ज़िंदगी से काफ़ी दूर इन बच्चों की लाइफ है, जो आम आदमी कभी नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। वो कहते हैं, पोइट कहना चाहते हैं कि बच्चे तो कितने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, वो कितने ज़्यादा उछल कूद करने वाले होते हैं ना, पर जो स्लम के बच्चे होते हैं ना, उन्हें देखो तो उन्हें लगता ऐसा लगेगा ना कि वो कितने ज़्यादा वीक है, क्योंकि उन्हें ना खाने को नहीं मिलता अच्छे से। अब जब खाने को नहीं मिलता तो उनके फेस पर तो स्माइल आएगा ही नहीं, है ना। जब स्माइल नहीं आएगा तो वो बच्चे कहाँ से उछल कूद करेंगे। तो पोइट ये कह रहे हैं कि उनका फेस देखो ना तो बहुत ज़्यादा वीक सा लगता है, बहुत अजीब सा लग रहा है उन्हें देखकर, ठीक है। लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टर्न राउंड देयर फेलोर, यहाँ पे पोइट कहते हैं, वहाँ पे ये ना पोइट यहाँ पे कंपेयर करते हैं किसे, रूटलेस वीड्स से। रूटलेस वीड्स का मतलब होता है अनचाहे, आप कह सकते हो कि जैसे कि ना आप एग्जाम्पल ले लो एक चीज़ का, जैसे कि एक ट्रीज़ है, ठीक है, जो अपने आप तो जैसे कि ट्रीज़ तो ग्रोन हो गया ना,
लेकिन उसके आसपास कितने सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स हो जाते हैं ना, जो ग्रोन हो जाते हैं, ठीक है, जो हम लोग नहीं चाहते कि वो ग्रोन हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, उसे काट कर फेंक देते हैं या फिर उसे साइड कर देते हैं ना, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं होती है उस चीज़ की। वैसे ही जो रिच पीपल लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, ऐसे ही गरीब लोगों को उठाकर ऐसे साइड जगह पर फेंक देते हैं, जैसे कि उनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमें हमारे लाइफ में उनकी कोई अहमियत नहीं है, ठीक है। तो पॉइंट इसका कंपेयर कर रहे हैं उस स्लम एरिया के बच्चों को किससे, रूटलेस वीड्स से। ये क्या वो बच्चे लोग ऐसे हैं कि उन्हें हम लोग रूटलेस वीड्स की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कहते हैं कि हेयर टोन राउंड देयर पैरल, उनका जो बाल वाल ना एकदम बिखरे हुए हैं, एकदम कंघी उंगी नहीं किया गया है, क्योंकि जब मैक्सिमम जब हम बच्चे लोग जब स्कूल जाते थे तो हम लोग क्या करते थे, एकदम हेयर कॉम करके जाते थे ना। बट स्लम एरिया के जो बच्चे हैं ना, जब वो स्टडी भी करने जा रहे हैं स्कूल में, तो वो कह रहे हैं कि उनका कोई कॉम्प नहीं किया गया है, कोई कंघी वंघी नहीं किया गया है। और पैलोर का मतलब होता है, यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है, एक लाइन, एक वर्ड है पैलोर। पैलोर का मतलब होता है पीलापन, ठीक है। उनका फेस ना एकदम पीलापन सा था, एकदम पीला सा था। द टॉल गर्ल विथ हर वेट डाउन हेड, अब जो हमारा फर्स्ट डेंजर है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फर्स्ट डेंजर है, ठीक है। तो यहाँ पे ना हमारे जो पॉइंट है वो चार बच्चों के बारे में बता रहे हैं। तो जो फर्स्ट डेंजर है उसमें सिर्फ वो बच्चों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो उस क्लासरूम में है, स्लम एरिया है, वहाँ पे एक एलिमेंट्री स्कूल है, वो एलिमेंट्री स्कूल के अंदर एक क्लासरूम है, वो क्लासरूम के अंदर भी कुछ चार बच्चे हैं जो पॉइंट ने बहुत ज़्यादा नोटिस किया, उन्हें लगा कि ये ज़रूरी है हमें बता हमारे लिए कि उस क्लासरूम में कैसे कैसे बच्चे थे। तो वो चार बच्चों के एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एक बच्ची है टॉल गर्ल, वो बच्ची कैसी है पॉइंट बताते हैं। द टॉल गर्ल विथ हर वेट डाउन हेड, अब पॉइंट कहते हैं कि एक पतली सी एक लंबी लड़की है जो भूख के कारण, जो अपने गरीबी के कारण वो अपने सर को झुका कर बैठी है, ठीक है। दूसरा है द पेपर स्विमिंग बॉय विथ रेड आइट्स, अब दूसरा बच्चा जो है वो एकदम पेपर की तरह पतला है, एकदम दुबला पतला है, एकदम पेपर हो समझो, और उसकी आंखें कैसी है, एकदम चूहे वाली आंखें। चूहे वाली आंखें का मतलब होता है कि चूहे क्या करते हैं, कुछ ना कुछ खाने को ढूंढते रहते हैं ना, तो वो बच्चे भी ऐसे ही कुछ कर रहे थे। वो जो एकदम पेपर की तरह जो पतला था ना बॉय, वो क्या कर रहा था, अपने चूहे वाली आंखें एकदम बड़े बड़े आंखों से वो कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। हो सकता है वो कुछ कुछ खाने पीने के लिए कुछ ढूंढ रहा हो उस क्लासरूम में, है ना, कि मुझे कुछ शायद कुछ खाने को मिल जाए। अब क्यों वो ऐसा कर रहा है, क्योंकि वो भूखा है, उसे कुछ खाने को नहीं मिलता, एक टाइम मिला होगा शायद, उसके बाद तो उसे कुछ खाने को ही नहीं मिला, तो वो भूखा है, ठीक है। अब तीसरा है देखो, द स्टर्न एंड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बॉन्स रिसाइटिंग ए फादर्स नर्ल डिजीज हिज लेसन फ्रॉम हिज टेक्स्ट, अब स्टैंडर्ड का मतलब यहाँ पे है देखो, ठीक है। स्टैंडर्ड का मतलब होता है अनडेवलप, जिसका ग्रोथ रुक जाए, ठीक है। अब पोइट कहते हैं कि अब इस बच्चे को देखो, इसे देखकर ऐसा लगता है कि उनके जो माता पिता है, ठीक है, उनसे विरासत में मिली है कुछ बीमारियां। अब क्या बीमारियां मिली है, एक तो वो गरीब का शिकार है, दूसरा मिला है क्या विरासत में, क्या मिला, हड्डी, एकदम एकदम ना टेढ़ी मेरी हड्डी, एकदम उसका जो हड्डी था ना वो एकदम टेढ़ा मेरा था, ठीक है। तो मान लो ये टेढ़ा मेरा हड्डी किसका होता है, वो फिजिकली बीमार है। अब वो बीमार है, अब हो सकता है उसके मदर या फादर को वैसे कोई बीमारी हो, तो उसे विरासत में क्या मिली है, वही बीमारी मिली है, ठीक है। जो रिच पीपल होते हैं उन्हें तो ऐसा नहीं मिलता, जो रिच पीपल होते हैं उन्हें विरासत में क्या मिलता है, उन्हें प्रॉपर्टी में क्या मिलता है, लैंड मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, कितना कुछ मिलता है ना। बट ये जो गरीब बच्चे हैं, इसमें से एक बच्चे को विरासत में क्या मिली है, ऐसे फिजिकली बीमारी मिली है, ठीक है। और वो क्या कर रहे हैं, अपने लेसन्स को, जो उसके डेस्क पे जो बुक्स रखा हुआ है, जो लेसन है, वो उस चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, वो पढ़ नहीं पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा वो, क्योंकि वो क्या है, फिजिकली बीमार है, ठीक है, इसलिए वो एक्टिव नहीं है अपने स्टडी को लेके। अब देखते हैं फोर्थ बच्चे के बारे में। द बेक ऑफ द डीम क्लास वन अननोटिस स्वीट एंड यंग हिज आईज लिव इन अ ड्रीम ऑफ स्क्वायरल्स गेम इन थ्री रूम अदर देन दिस। अब कहते हैं फोर्थ बच्चे के बारे में कि देखो, एक ऐसी बच्ची है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा स्वीट है, यंग है,
ठीक है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, यंग है, वो बच्ची को देखो तो उस क्लासरूम में ना उसे कोई ध्यान नहीं दे रहा, ठीक है, एकदम क्लासरूम ना एकदम डीम है, वो लाइट वाइट नहीं है वहाँ पे, अगर लाइट है भी ना तो एकदम डीम है, कुछ नहीं दिख रहा वहाँ पे, एकदम एकदम बहुत ज़्यादा डीम है, ठीक है। तो पोइट कहते हैं कि उसी क्लासरूम में एक और बच्ची है जो एकदम उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा बिल्कुल भी, और जब देखो उसे तो ऐसा लगता है कि वो क्या कर रही है, बाहर जो गिलहरी है, ठीक है, बाहर जो गिलहरी के साथ वो शायद कुछ सपने देख रही है, कि शायद मैं गिलहरी के साथ बाहर खेल रही हूँ, ऐसा वो कुछ सपने देख रही है, ठीक है। अब कहते हैं कि अदर देन दिस, अब इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा कुछ है और, अब क्या है देखते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेंजा है उसमें सिर्फ बताया गया है उन बच्चों के बारे में जो क्लासरूम में है। अब जो हमारा सेकंड स्टेंजा है, सेकंड स्टेंजा कौन है, कौन सा है हमारा, देखो मैं बताऊंगी, सेकंड स्टेंजा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, और एक लाइन है जो मैं वो बाद में दिखाऊंगी आप लोगों को। तो है अनसोर क्रीम वॉल्स डोनेशन शेक्सपियर्स हेड। अब पोइट जो इस स्टेंजा में क्लासरूम की बात करेंगे, जो स्लम एरिया में जो स्कूल है उसके क्लासरूम के बारे में बात करेंगे कि वो क्लासरूम कैसा दिखता है। तो वो कहते हैं कि उनकी जो दीवारें हैं ना वो बहुत ज़्यादा गंदी है, एकदम पीला सा है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कभी कि जो वॉल होते हैं, जो दीवारें होते हैं, वो जब बहुत ज़्यादा पुराने हो जाते हैं, जब उन्हें अच्छे से हम लोग कलर नहीं करते, पेंट नहीं करते, उनकी मरम्मत नहीं करते, तो क्या हो जाता है, उनकी जो दीवारें हो जा दीवारें जो है ना वो हल्के हल्के कहीं कहीं पे ना ऐसे टूट से जाते हैं, ठीक है, तो उसका पेंट जो निकल सा जाता है, एकदम अजीब सा पीलापन सा लग रहा था। तो कह रहे थे और उसी गंदे पीले वॉल में कुछ तस्वीरें थे, ठीक है, वो तस्वीरें किसके थे वो बताएंगे यहाँ पे दूसरे लाइन में। और वो तस्वीरें कहाँ से आए थे, पीपल ने डोनेशन के थ्रू दिया, जैसे कि वो गरीब स्कूल है, ठीक है। अब कुछ लोग आए होंगे वहाँ पे, कुछ रिच पीपल लोग आए होंगे, अब उन्होंने क्या किया, डोनेशन के थ्रू उन्होंने कुछ पोस्टर दे दिया उन्हें वॉल पे लगाने के लिए। क्यों लगाने के लिए, ऐसे ऐसे पिक्चर लगाने के लिए ताकि वहाँ के बच्चे लोग मोटिवेट हो सके, ठीक है। तो सबसे पहला जो पिक है हमारा किसका है, मीन्स पहला डोनेशन वो है शेक्सपियर्स हेड्स, मीन्स शेक्सपियर, ठीक है, शेक्सपियर का हेड है। शेक्सपियर एक बहुत महान आदमी थे, ठीक है, तो उनका था सबसे पहला डोनेशन, सबसे पहला पिक। अब दूसरा है क्लाउडलेस एट डाउन सिविलाइज रोम राइडिंग ऑल सिटीज। अब क्लाउडलेस का मतलब होता है ना, दूसरा जो है हमारा पिक वो मैं दिखाती हूँ, रुको आप लोगों को। हमारा जो दूसरा पिक था ना वो एकदम ऐसा था जैसे कि सुबह सुबह आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि क्लाउड क्लाउड कितने ज़्यादा क्लियर होते हैं ना, और जब वो सनराइज होते हैं तो वो क्लाउड कैसा दिखता है, ठीक है। तो वैसे ही कुछ सीनरी का वहाँ पे पिक्चर था, तो वो था हमारा दूसरा डोनेशन, ठीक है। तो क्लाउडलेस, क्लाउडलेस का मतलब, ठीक है, क्लाउडलेस का मतलब होता है वेरी क्लियर स्काई, ठीक है, और डाउन, ये डाउन का मतलब होता है मॉर्निंग। अब यहाँ पे है एक लाइन सिविलाइज्ड डॉर्म। सिविलाइज ना मैं बताती हूँ, सिविलाइज ऐसे होते हैं, देखो इस तरह से जो होते हैं ना, ऐसे सिविलाइज्ड डॉर्म जो होते हैं ना, ये डॉर्म मीन्स जो बड़े बड़े सिटी होते हैं ना वहाँ पे इस तरह के वो होते हैं, आप लोगों को बिल्डिंग्स मिल जाएंगे, जैसे कि ताजमहल उसके ऊपर में इस तरह से डॉर्म है ना, उसके बाद में गुरुद्वारा में है, मस्जिद में है, और भी ऐसे बहुत सारे होंगे, ऐसे कुछ नाम यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है और शायद ज़रूरी भी नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे। तो डोम इसे कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह के कुछ पिक्चर्स थे वहाँ पे जो सिटीज़ में होते हैं, वैसा ही कुछ पिक्चर उनके वो गंदे गंदे वाले वॉल में लगे हुए थे। अब तीसरा क्या है हमारा, बेल्ड फ्लोरी टायरोल्स वैली, और एकदम फूलदार, ठीक है, फूलदार और एकदम वैली जो होता है ना, बहुत खूबसूरत जगह वैली दिखाया गया था वहाँ पे, ऐसे ही कुछ पिक्चर था। अब चौथा था देखो, ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद ए फोक। पोइट कहते हैं कि अब देखो कुछ मैप है,
कुछ मैप की तस्वीरें हैं, ठीक है। अब वो मैप की तस्वीरें क्यों है वहाँ पे, क्या ज़रूरी है उस गंदे वॉल में मैप की तस्वीरें होने का मतलब, तो वो वॉल का मतलब, वो मैप का होने का मतलब ये है कि वो मैप ना वो बच्चों को अपॉर्चुनिटी देता है, ठीक है। देखो ऐसी भी एक दुनिया है, ठीक है। इस दुनिया में कितनी सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे तुम लोग आकर कुछ बन सकते हो, ठीक है। पर आप लोगों ने, मैं ये कहती हूँ, आम लोगों को कहती हूँ कि क्या पॉइंट कहते हैं कि मैं आम लोगों से कह रहा हूँ कि क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि स्लम एरिया के बच्चे ऐसे जगह पे कभी जा सकते हैं? कभी नहीं जा सकते हैं, कभी भी नहीं जा सकते। अगर अगर वो लोग मैप देख रहे हैं तो मैप तो देखेंगे वो लोग, उसमें कितनी सारी जगह है चलो वो भी देखते हैं वो लोग, बट वो लोग देख कर भी क्या करेंगे? वो लोग तो कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए वो कुछ नहीं है, उनके लिए वो शायद और कुछ बुरा ही है कि ये कैसा पिक है, इससे तो कुछ नहीं हो सकता हमारे लिए, है ना। हम तो कभी ऐसे जगह पर विजिट भी नहीं कर सकते। और अगर उन्हें जाना हो उस जगह पे तो उन्हें क्या करना होगा, गलत गलत चीज़ों को अपनाना पड़ेगा, जैसे कि कुछ चोरी करना पड़ेगा, किसी का पैसा चुराना होगा, पैसा चुरा कर ही वो लोग जाएंगे उस जगह पे, है ना। तो यहाँ पे कहा गया है कि चिल्ड्रेन के लिए जो विंडोज़ है ना वो उनका मैप नहीं है, ठीक है। उनके लिए जो खिड़की है, उनका जो खिड़की वो मैप नहीं है, ना ही वो मैप का दुनिया है उनके लिए। उनका जो फ्यूचर है, उनका जो खिड़की है, वो कौन है? वही पेंटेड सा फोक, वही धुंधला सा फ्यूचर है उनके लाइफ में, और कुछ नहीं। उनका जो फ्यूचर है वो कैसा है? धुंधला सा, एकदम ब्लर है, कुछ नहीं है उनके आगे लाइफ में, कुछ भी नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, वो फर्स्ट पार्ट था और उसमें मैंने फर्स्ट स्टेंजा और सेकंड स्टेंजा कंप्लीट किया। थर्ड और फोर्थ स्टेंजा देखने के लिए आप लोगों को सेकंड वीडियो देखना होगा, मीन्स सेकंड पार्ट, और उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ठीक है। और प्लीज़ उसे आप लोग ज़रूर देखिए, तभी ये पोएम कम्प्लीट होगा और आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। सो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।